देखेंगे ये समृद्धि एक्सप्रेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है, सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है। देखिए मुंबई लेफ्ट, अमरावती स्ट्रेट, हिंगना राइट में, सेम अपने देखेंगे। बहुत प्यारा इन्होंने डिज़ाइन किया हाईवे को। अभी मैं राउंड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर मैं कुछ वो नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से सोचा डायरेक्टली आपको लेफ्ट लेके। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये मस्त एक डिज़ाइन किया इन्होंने। अगर टॉप व्यू देखोगे आप तो आपको बहुत प्यारा लगेगा, ड्रोन व्यू आपको बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल है। ये मुंबई लेफ्ट में जब मुंबई की ओर जा रहे हैं, पूरा मुंबई का पैच ओपन नहीं हुआ है फिर भी आपका रोड ये नागपुर पुणे ही कहलाता है, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस, हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मुंबई 770। बट जो अभी का पैच ओपन हुआ है वो नागपुर टू शिरडी अराउंड 550 किलोमीटर के आसपास का है। रोड अभी तो 4 लेन है, आपको आगे 3 लेन में कन्वर्ट हो जाता है, बट रोड आपका बहुत सही है। मतलब आपको कहीं भी ऐसा टेंशन है, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं कि कहीं ट्रैफिक है या कहीं पर आपको रुकना है। आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत जगह स्टॉपेज दिया है, बट ये है कि हाँ आपको खाने पीने का सामान, पेट्रोल, बहुत सारा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तुमको 483 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, बीच में आगे एक दो स्टॉप है अभी पेट्रोल के लिए। जब मैंने लास्ट टाइम आया था तो मैंने पहले ही होमवर्क कर लिया था, तो है यहाँ पर स्टॉपेज जो मैं रुक कर थोड़े बहुत पेट्रोल फिल कर लूँगा। स्पीड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 100 है, 120 आप आराम से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। अभी तो मैं 80-90 की स्पीड में चल रहा हूँ, बट आराम से आप 100-120 की स्पीड में आप यहाँ चल सकते हो। आपको मोबाइल में इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा जितना पे आप खुद, अगर जो कार लवर है उनके लिए तो बस ये बोल दो जन्नत है। अभी ऐसे ही एक्सप्रेस में मुंबई दिल्ली ओपन हुआ है, जो दिल्ली से जयपुर तक ओपन हुआ है, ये बाइक वाले दिखे हैं, बट बाइक यहाँ पर अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, 3 व्हीलर अलाउ नहीं है, केवल 4 व्हीलर एंड मल्टी एक्सल या फिर जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनके लिए अलाउ है। अच्छा आप जहाँ तक देखोगे, जहाँ तक जाओगे स्ट्रेट है हाईवे, थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना अच्छा रोड बनाया। अदरवाइज पहले अगर हम देखते थे पुणे से अगर आपको नागपुर आना है या मुंबई से आपको नागपुर आना है तो 16-17 आवर लगता था बाई रोड, बिकॉज जो लास्ट मैं आया था दिवाली में पुराने वाले एक्सप्रेसवे से आया था, पुराना वाला हाईवे बोल सकते हो, नेशनल हाईवे, बहुत गंदा उसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाता है, इतना ट्रैफिक, सिंगल लेन, डबल लेन, फिर उसके बाद थोड़े बहुत पैचेस भी बहुत ख़राब है। ये वाला जब से हाईवे खुला दिसंबर में ओपन हुआ था, अभी आप पुणे से अगर आपको नागपुर आना है तो शिरडी तक का थोड़ा सा मुश्किल है, 3 घंटे लगते हैं, उसके बाद ये वाला जो पैच है आप आराम से 5-6 घंटे में कवर कर सकते हो। तो सोचो मोर देन 40-50% आपका टाइम, पेट्रोल, एनर्जी प्लस डिस्टेंस सब तरह से आपका कवर हो गया। देखिए अपना बीच बीच में आपको अच्छा एग्जिट भी दिया है यहाँ पर कि कहीं आपको रुकना है, जैसे शिरडी है, मुंबई है, ये तो आपका लास्ट में, इसके पहले आपका जैसे जालना सिटी है, औरंगाबाद है, अकोला है, आपको जगह जगह आपको एक एग्ज़िट दिया, और जैसे एग्ज़िट आप करोगे तो नीचे ही आपका टोल है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको रुक रुक के टोल देना है, टोल के लिए भी बहुत सिस्टमेटिक इन्होंने डिज़ाइन किया है, टोल के लिए जिस जगह से आप एंट्री कर रहे हो और जहाँ से एग्ज़िट कर रहे हो केवल वहीं पर टोल देना आपको। जैसे मैंने अभी नागपुर से स्टार्ट किया है, तो जैसे आप थोड़े दूर पर जाओगे तो आपको टोल यहाँ, एक टोल यहाँ पर आपको एंट्री करना है, और सीधा आपको एग्जिट, जहाँ पर आप एग्जिट शिरडी में होंगे वहाँ पर आपको टोल देना है। देन उसके बीच में आपको कहीं भी डिस्टर्बेंस, कहीं भी ऐसा रोड के लिए आपको रुकना नहीं है, जैसे हम बहुत सारे हाईवे में देखते हैं, जैसे आपको टोल वाला टोल प्लाजा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा आगे, आपका टोल बूथ है, तो बहुत सही डिज़ाइन किया उन्होंने, पूरा धनुष की तरह, धनुष बाण की तरह डिज़ाइन किया है, छोटे टोल भी इसी तरह।
तरह से डिजाइन हुए हैं, और ये इस तरह के दो टूल है जो एक शेडी में और एक आपको नागपुर एंट्री में मिलेगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। अभी भी यहाँ पर काम चालू है, थोड़ा बहुत रेस्ट हाउस के लिए, पेट्रोल टैंक के लिए, बाकी अभी जगह जगह थोड़ा सा आपको देखेंगे 25-50-100 किलोमीटर में आपको वॉशरूम वगैरह बना हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं हुआ है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, मतलब एक हफ्ते से वॉश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, मतलब सीधा पुणे में ही वॉश करेंगे इसको अच्छी तरह से। अभी बाजू में ही है, जैसे आप टोल क्रॉस करते हो लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम प्लस आपका पेट्रोल है, थोड़ा बहुत फिल कर लेता हूँ मैं, 8 या 10 लीटर ही आएगा, फिल कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू रखते हैं। ये लेफ्ट लिया वापस मैंने, जैसे टोल नाका क्रॉस किया वैसे आप लेफ्ट लोगे तो आपको ये पेट्रोल पम्प बना हुआ है, पूरा पहाड़ को काट करके इन्होंने पेट्रोल पम्प बनाया। ऐसा पेट्रोल तो अभी है, 500 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, बट सोचा रिस्क क्यों लेने का, नहीं बाबा रिस्क नहीं लेने का, इसलिए पेट्रोल डलवा लिया जाए। मैंने 10-12 लीटर ही आएगा, बाकी तो फुल है। 10-12 लीटर हाँ फुल, पेट्रोल फुल पूरा देखेंगे तो अभी रेंज दिख रहा 5:95, टाइम हो रहा है कुछ 12:15, 38 डिग्री बाहर, थोड़ा बहुत आज बादल है भगवान की रहम से। पेट्रोल मिल गया, कुछ खाने का ऐसा जुगाड़ नहीं था, स्नैक्स जैसे ही है, बड़ा चलो आगे देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ होगा तो। ये रोड वापस सेम यही रोड, मतलब ऐसा लग रहा है कि देख के अभी बोर हो जाएंगे, रोड इतना सही बनाया है, आजू बाजू भी अच्छा फेंस वगैरह डाल दिया ताकि कुछ जानवर वगैरह कुछ हाईवे में ना आए, ताकि जिससे एक्सीडेंट वगैरह होता है। मुंबई 756 देखेंगे, ऐसा बहुत सारे जो पहाड़ ऊँचे ऊँचे वहाँ पर ऐसा ऐसा बहुत सारे ब्रिज बनाया है, ऐसा डेडिकेटेड ये एनिमल्स ले तो क्रॉस ओवर करते हैं इधर से उधर, तो हाईवे में आते हैं उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर से ही आप क्रॉस कर देते हैं। इतना अच्छा व्यू लग रहा है, तो जो सीनरी जैसा होता ना, पूरा माउंटेन स्ट्रेट रोड एकदम, ऐसा लग रहा है कि कहीं आप आउट ऑफ इंडिया ड्राइव कर रहे हो, इतना अच्छा रोड है। पाना और खोना बस वक्त खेल है, उसके लिए क्यों दुखी होना, अगर हमसे वो चीज़ छीन सकता है जो हमें लगता था कभी जाएगा नहीं, तो हमें वो चीज़ मिल भी सकता है जो हमको लगता था कभी मिलेगा नहीं। बस तो अपने क्रूज सेट कर दिया 100 पे, मस्त क्रूज सेट करके एंजॉय करूँ, पीछे पूरा खाली, आगे पूरा खाली, बस एंजॉय करते रहो, राइड करते रहो, बट हाँ ध्यान देखें, यहाँ पर इतना बोर लगता है कि आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्टिव रहो। अब एक्टिव करने के लिए बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, गाने सुनो, पोयम देखो, पोयम सुनो, पोयम खुद बनाओ, कुछ भी करते रहो बट एक्टिव रहो, अदरवाइज आपको नींद आना झप्पी आना स्टार्ट हो जाएगा। और व्यू इतना अच्छा है, जहाँ तक देखो रोड ही रोड है, ये कुछ फर्स्ट या सेकंड एग्जिट है,
देखो आप कितना मस्त व्यू है, स्ट्रेट एक और एनिमल पास देखा अगर आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट ये ऊपर देखो स्काई ब्रिज में ऊपर लिखा भी है, आइकन भी बना है, इधर डियर का आइकन बना है, लिखा है यहाँ पर एनिमल ब्रिज, एनिमल क्रॉसिंग ब्रिज। पूरा रोड मस्त है, आजू बाजू पूरे चट्टान पहाड़ का जो कटिंग करके उन्होंने रोड बनाया, स्ट्रेट एकदम ऐसा लग रहा है कहीं अमेरिका अमेरिका में दिखता है ना आपको बाहर आउट ऑफ इंडिया में, मस्त आप कहीं देखते हो वीडियो में फोटो में उस तरह से ड्राइव करो। ये देखो आगे फिर से जगह जगह इन्होंने वाटर जैसे स्टोरेज वगैरह बनाया है, साइड में भी जो गैप्स है उसको फिल कर रहे हैं, अभी भी काम मतलब बहुत सारा चीज़ चल रहा है और टाइमली जो है बहुत सारा जगह देखा, अभी ये जो साइड में प्लांटेशन लगाए हैं ये उनको भी पानी वगैरह दे रहे हैं, इधर नागपुर साइड तो फिर भी पानी वगैरह डाल रहे हैं बट इधर बहुत दूर होता है शायद इस वजह से पानी नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारा सूख गया है प्लांट, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है समझ लो, देखो दोनों चट्टान के बीच से काट के इन्होंने रोड बनाया है, बस रोड इसी तरह से चल रहा है, एक समय के बाद लगता है वो फिर थोड़ा देर एक्साइटमेंट आ जाता है। मौसम भी आज बहुत धूप है, बाहर तो 40 डिग्री है बट फिर भी कहीं कहीं छाव आ रहा है, देखो बाजू में क्रेन वगैरह वर्कर है अभी भी काम वगैरह चल रहा है बिकॉज कुछ दिन बाद बारिश होने वाला है और शायद ऐसा लग रहा बारिश के सीज़न में ये और अच्छा व्यू हो जाएगा, हर जगह ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे ना पहाड़ ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत पौधे वगैरह जो हैं पेड़ वगैरह वो ग्रीन हो जाएगा, बहुत अच्छा व्यू आएगा। 12:55 क्रूज सेट कर दिया है, 120 का लिमिट है मैंने 119 में 119 किलोमीटर में कर दिया, रेंज भी करा 591 17 किलोमीटर 17.54 का एवरेज दिखा रहा है बट एवरेज ज़्यादा है यहाँ पर स्टक हो जाता है। यहाँ पर अभी एनिमल ब्रिज पुलगांव एग्जिट, पुलगांव अभी आर्मी का एग्जिट था ये, पुलगांव 11 किलोमीटर, दमनगांव 30, अमरावती 97 अभी आर्मी का एग्जिट है, यहाँ पर आर्मी को ही शायद गाँव है, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो ऑपरेशनल स्टेज पे। मुंबई 681 अमरावती 75 जस्ट सोचा 2 मिनट के लिए वार्म अप कर लेता, अभी स्पीड लिमिट है 120, देख रहे हैं कैसे निकल रहे हैं, ये देखो ट्रक साइड में रोका हुआ है, चलो अब निकला जाए ज़्यादा देर रहना अच्छी बात नहीं है। ये अभी जो एग्जिट है यवतमाल, मे भी सबने सुना होगा महाराष्ट्र में कि यवतमाल है उसके लिए एग्जिट है, जानते ही होंगे सब, इतना प्यारा इन्होंने एग्जिट रूट बनाया है, देखिए ये मैं गूगल मैप पे दिखा रहा हूँ कितना मस्त दिख रहा है, अमरावती अभी बचा है कुछ 58, वाशिम 155 और मुंबई 664, अराउंड 100 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं, ये कितना अच्छा स्ट्रीट लाइट लगाया है इन्होंने, मेंटेन करके रखा अच्छे से उसको, 4 महीने ही हो रहे हैं देखते हैं कब तक मेंटेन रहता है, बट एज ऑफ नाउ सो चलो थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। मुंबई 607 किलोमीटर, मुर्तजापुर 46 और करंजा 25 किलोमीटर, अभी देखेंगे तो मैं कुछ 180 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुका हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समृद्धि एक्सप्रेस वे, और अभी टाइम हो रहा है 1:43, बाहर का टेम्परेचर 39.40, पेट्रोल है अभी 5:55 का रेंज दिखा रहा है, मौसम थोड़ा बहुत मेहरबान है, कहीं धूप कहीं छाँव कहीं धूप कहीं छाँव है और बाकी तो स्ट्रेट है पूरा रोड, जैसे एक्साइटमेंट नहीं है बट ठीक है। ये 1 किलोमीटर में करंजा से
सिटी है उसका एग्जिट, मुंबई वापस 591 किलोमीटर। ये करंजा सिटी है, मे बी सबने सुना ही होगा, ये उसका एग्जिट। सेम वही, जैसे एग्जिट करोगे आप वापस, आपने जितना यूज़ किया है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे, उसका आपको टोल देना है। उसका जो है पर किलोमीटर कुछ 1.73 रुपीस कॉस्ट है, उस हिसाब से आपको पे करना है। इस तरह से पूरा सर्कल है, देखो मैप में देखेंगे किस तरह से एग्जिट और एंट्री है पूरा महामार्ग में। ऊपर देखेंगे पूरा स्काई और प्लस एक्सप्रेस वे प्लस फ्लाई ओवर बना हुआ है अपन ऑलरेडी। ये प्रॉपर मैप में देखेंगे सो गुड। अभी तक तो अपना ड्रिंक्स ओपन किया मस्त और एंजॉय। साथ में रखा था मैंने स्प्राइट बॉक्स में, सोचा बहुत देर बाद चलो ओपन करते हैं। छोटे छोटे जहाँ पर थोड़ा अच्छा बिग साइज में आपका रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया है उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा डिज़ाइन दिया है, जैसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो बर्ड बैठा हुआ है ऐसा, अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन दिया। शायद मैंने एक दो आपको दिखाया नहीं, कहीं सर्कल का कहीं स्क्वायर शेप में कहीं अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ डिज़ाइन इन्होंने बना बना के रखा है, जो ऐसा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप देख रहे हैं तो। अभी तक का जो अपडेट है चालना बचा 91 किलोमीटर, औरंगाबाद 141, मुंबई 484। चारों तरफ आपको माउंटेन ही माउंटेन है। अच्छा व्यू वाइज देखेंगे तो सब
बरसात के मौसम में और अच्छा यहाँ पर व्यू मिलेगा आपको अगर आप ट्रैवल करेंगे इन द टाइम ऑफ रेनी सीजन। औरंगाबाद थोड़ी देर बाद आएगा शायद, शिरडी अब कुछ 110 किलोमीटर के आसपास का शिरडी बचा हुआ है। ये जो है औरंगाबाद, ये औरंगाबाद सिटी है 500 मीटर में एग्जिट लेफ्ट हैंड साइड जो सिटी है पूरा औरंगाबाद जो अच्छा बड़ा सिटी है। तब यहाँ औरंगाबाद तो बीबी का मकबरा देखो, पूरा ताजमहल का डुप्लीकेट कॉपी है। देखो ये अहमदाबाद से पूरा आपका औरंगाबाद, सॉरी स्ट्रेट आपका शिरडी नासिक मुंबई, लेफ्ट में जैसे आप जाओगे तो औरंगाबाद शिरडी। एक अपडेट देता हूँ, शिरडी 20 किलोमीटर बचा है मुंबई 270, बस 20 किलोमीटर में शिरडी अपन एग्जिट करेंगे जो एक्सप्रेस वे समृद्धि महामार्ग, एग्जिट करके फिर वापस वही शिरडी टू पुणे वाला छोटा मोटा वाला हाईवे पकड़ेंगे जो नासिक से टच करते हुए जाता है। बाकी तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आने के लिए आपको वो वाला जो रखा है आपका रोड बैरियर वहाँ
यहाँ से आपको मुंबई का है बट अभी तो बंद है, यहाँ से आपका ये देखा एग्जिट टोल है शिरडी का। देखा था इवनिंग में, अब सनसेट देख रहा हूँ। इतना गाड़ी चला लिया आज मैंने, फाइनली 2 घंटा स्ट्रगल करने के बाद कुछ अच्छे रोड पे पहुँचा पुणे। 140 किलोमीटर है ये, पुणे नासिक वाला रोड है आपका, टूवर्ड्स पुणे जाते हैं तो इतना अच्छा व्यू है आपका। पुणे कुछ 90 किलोमीटर बचा है, बीच का कोई सिटी है। चलो पुणे पहुँच के अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट अब रात भी हो गया है, ट्रैफिक भी पड़ रहा है, तो सोचा जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ, तो एक बार पुणे पहुँचता हूँ। अब मस्त पुणे के आउटर में आ गया, शायद 15-20 किलोमीटर और है। हाय गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपडेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट घर पहुँच गया। देखेंगे तो 1 किलोमीटर ही घर पहुँचा है, 9:30 बजे के आसपास घर पहुँच गया। घर से मैंने ड्राइव किया कुछ 1138। फिर आपको ब्रीफ में एक बार अपडेट देता हूँ। घर पहुँच चुका हूँ मैं अभी, 9:30 मतलब 4:30 बजे निकला था। कुछ 17 घंटे में मैंने 11399 मतलब ऑलमोस्ट 1150 चलाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।